नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक लेफ्ट हैंड फीमेल पाम है, सवाल के काफ़ी सारे थे, तो चलिए दोस्तों इनके पाम का एनालिसिस शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके हाथ में मैं देख पा रहा हूँ कि आपकी जो रेखाएँ हैं वह सही है, अच्छी अवस्था में, बट आप देख पा रहे हैं जो आपकी जीवन रेखा है मस्तिष्क से अलग हटकर चली है, और जो आपकी मस्तिष्क रेखा है उसका मिलान हुआ है गुरुदेव बृहस्पति से। तो जब मस्तिष्क रेखा का मिलान गुरुदेव बृहस्पति से होने लगे तो ऐसे केसेस में क्या देखा जाता है? ऐसे व्यक्ति को हमेशा डेली बेस पर कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए। ऐसे व्यक्ति अगर आप जिस व्यक्ति को सीखने को ना मिले तो व्यक्ति का मन बेचैन रहता है, व्यक्ति अपने जीवन में थोड़ा बहुत समस्याओं में पड़ जाता है। कुछ भी किसी से भी किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग सीखना जरूरी रहता है। बाकी ये रेखा थोड़ी सी अलग हटकर भी चली है, जब ये कॉम्बिनेशन बने और जब मस्तिष्क व्यक्ति के में अलग हटकर चलती है तो ये आपको इंडिपेंडेंट थॉट देने वाली रहेगी, ओपन माइंडेड आपको बनाएगी, क्योंकि ओपन माइंडेड होता है। इसके साथ साथ व्यक्ति जिद्दी भी बहुत होता है, व्यक्ति अपनी जिद के कारण अपने नुकसान कर बैठता है, जिद करेंगे नेगेटिव चीज़ों के लिए, और किसी से भी लड़ना भिड़ना अपनी जिद पूरी करने के लिए व्यक्ति कर सकता है। और बाकी थोड़ा जिद्दी अपना जो नेचर है वो कम करिएगा, सबको लाभ मिलेगा। सच बोलना जैसे व्यक्ति को पसंद होता है, और कभी झूठ बोलने वाले को पसंद नहीं करते, झूठ बोलना पसंद नहीं करते। जिस भी भगवान में मन लग जाए उन्हीं भगवान को मानते हैं जिन भर, और जीवन भर उन्हीं की आराधना करते हैं। और ऐसे व्यक्ति हर चीज़ में लॉजिक ढूंढते हैं, जिस चीज़ में लॉजिक नहीं मिलता उस चीज़ को नहीं मानते, और कभी किसी पर आँख बंद कर कर किसी भी बात पर किसी भी व्यक्ति पर किसी भी चीज़ पर आँख बंद कर विश्वास नहीं करते। व्यक्ति इस तरह की पूरी पूरे आपके हाथ में मैं अपनी मस्तिष्क द्वारा देख पा रहा हूँ। मस्तिष्क हल्की सी घूम भी गई है, जब मस्तिष्क में इस प्रकार घुमाव आ जाए तो ऐसे व्यक्ति थोड़े बहुत धार्मिक बनेंगे, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी अब धार्मिकता आपके अंदर बढ़ती चली जाएगी, और बुढ़ापे के अंदर धार्मिकता आपके अंदर चरम सीमा पर रहने वाली रहेगी। मस्तिष्क का बढ़िया तो दिमागी स्तर अच्छा रहेगा, जीवन में कभी भी स्ट्रेस, दिक्कत, परेशानी, चिंता नहीं आने वाली, और दिमागी स्तर जो भी निर्णय लेंगे वो हमेशा काम आएगा। इस तरह के पूरे पूरे का आपकी मस्तिष्क का द्वारा मैं देख पा रहा हूँ। यदि आपकी जीवन रेखा पर देखा था तो जीवन रेखा आपके मजबूत है, कोई दिक्कत वाली बात जीवन रेखा में नहीं है। बुढ़ापे के अंदर दो ऑफशूट आ रहे हैं, जब बुढ़ापे के अंदर दो ऑफशूट आने लगते हैं तो ये व्यक्ति को दिखाते हैं कि बुढ़ापे में प्रॉपर्टी आने के योग है, खुशखबरी आने के योग है, संतान द्वारा भाग्य होने के योग है, संतान का लायक निकलना, संतान के द्वारा सेवा होने के भी पूरे पूरे योग आपके हाथ में है। हृदय रेखा पर देखेंगे तो हृदय रेखा सही है, बट ये हृदय रेखा जा रही है गुरुदेव बृहस्पति के पहले पोर्वे तक। तो ऐसे व्यक्ति का जो नेचर होता है देवदयालु टाइप होता है, हमेशा सबका भला करना, सबका भला चाहना, किसी का बुरा ना सोचना, ऐसे व्यक्ति की आदत है। अगर किसी के 100 रुपये भी आ रहे होंगे तो उसे सामने से लौटाने वाले व्यक्ति होते हैं। ऐसे इस तरह के भी योग आपके हृदय रेखा द्वारा मैं देख पा रहा हूँ। बाकी हृदय रेखा में कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। यहाँ पर दो खोर का है तो बचपन में थोड़ा संघर्ष रहता है, बट बचपन में संघर्ष इसलिए रहता है क्योंकि ये विष्णु साइन होता है, तो विष्णु सिंबल जिस किसी के हाथ में बनता है तो व्यक्ति को बचपन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, वो भी बस इसलिए क्योंकि आप जैसे व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी रहती है वो तो जवानी में अगर बहुत मजबूत रहती है। जवानी में व्यक्ति इस प्रकार का होता है कि किसी भी समस्या से डरता नहीं है, समस्याओं का डटकर सामना करने वाला व्यक्तित्व रहता है, और एक योद्धा किस्म का व्यक्ति का नेचर पाया गया है। जब आपके हाथ में ऐसी हृदय रेखा पर इस प्रकार का विष्णु सिंबल बन जाए तब इस प्रकार की चीज़ें व्यक्ति के अंदर रहने वाली होती हैं। बाकी अगर आपके हाथ में ध्यान से देखा जाए तो जो आपकी भाग्य रेखा है, भाग्य रेखा सही है, यहाँ पर मनी ट्रायंगल भी बन रहा है। देखिए मनी ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, बहुत से लोगों के दिमाग में भी मिथ होता है, भ्रम होता है कि मनी ट्रायंगल मतलब होता है कि बहुत अच्छा पैसा आएगा। नहीं, मनी ट्रायंगल को मैं ऐसे समझा सकता हूँ कि एक व्यक्ति है जिसके हाथ में मनी ट्रायंगल नहीं है, और आप हैं, आपके हाथ में मनी ट्रायंगल है, और दोनों की इनकम सेम है, ये भी 1 लाख रुपये महीना कमा रहे हैं, आप भी 1 लाख रुपये महीना कमा रहे हैं, तो आप इस व्यक्ति के प्रति ज़्यादा पैसा बचाने में सक्षम रहेंगे। मनी की सेविंग, मनी के इन्वेस्टमेंट, पैसे से पैसा बनाने की कला कोई दिखाता है व्यक्ति इन्वेस्टमेंट से बड़ा पैसा कमा सकता है, और पैसा बचाने में व्यक्ति ज़्यादा सक्षम होता है, मनी को सेव ज़्यादा कर पाता है। ये मनी ट्रायंगल का असली मतलब देखा गया है। और भी दो चार चीज़ें होती हैं, क्या होती हैं, देखिए मनी ट्रायंगल से पता चलता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास 3 रेखाओं का अच्छा मेलजोल है, क्या एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास अच्छा भाग्य है क्योंकि भाग्य रेखा से मिलकर बना है, दूसरा एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास अच्छे बुद्ध पर्वत की शक्ति है, और अच्छा स्वास्थ्य है क्योंकि ये बुद्ध रेखा से मिलकर बना है, और तीसरे आपकी मस्तिष्क रेखा कि व्यक्ति के पास दिमागी स्तर भी बहुत मजबूत है, व्यक्ति जितने कार्य करेगा सोच समझ कर करेगा उनमें सफलता अर्जित करेगा। तो 3 ही चीज़ें चाहिए होती है व्यक्ति को सफल बनाने में, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा पैसा, अच्छा दिमाग, ये 3 चीज़ आपके हाथ में भरपूर मात्रा में रहने वाली रहेंगी। बाकी अगर आपके हाथ में यहाँ पर देखा जाए थोड़ा बहुत पारिवारिक समस्या भी रेखा दिखाई, बट इसके उपाय करने पर आपको राहत मिल जाएगी। अगर शुक्रवार के दिन आप सफ़ेद चीज़ों का दान करते हैं, वैसे लोग इसको सुनकर बर्फी या फिर उल्टी सीधे चीज़ें दान करने लग जाते हैं, ये फिर काले जादू में आ जाती हैं। आप देख सकते हो किसी गरीब के घर में चावल दान करना चाहिए,
शुक्रवार के दिन जो गरीब अपना राशन लाने में सक्षम नहीं है उसके घर में चावल भरवा दीजिए, या फिर छोटे बच्चों में, गरीब बच्चों में खीर बनाकर दान कर दीजिए। सफेद शुक्रवार शुक्रवार को अगर रहेगा तो पारिवारिक समस्या बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएंगी। कोई दिक्कत वाली बात आपको अब पारिवारिक समस्या में नहीं आएंगी। यहाँ पर आड़ी रेखा है तो तर्कदर शक्ति अच्छी होती है, अपनी बात को लॉजिक के साथ रखने में सक्षम होता है। इस तरह के भी पूरे पूरे बढ़िया योग आपके हाथ में मैं देख पा रहा हूँ। अंगूठा थोड़ा सा पतला तो आपको ये वाला कॉम्बिनेशन थोड़ा इंट्रोवर्ट भी बनाएगा। मणिबंध सही है अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा जब तक भगवान का ध्यान साधना करते हैं तो लाभ मिलने वाला रहेगा। अगर आप खाली समय में, ऐसा नहीं कि सुबह सुबह करें, जब भी आप खाली रहें तभी आप हरे राम हरे कृष्ण मंत्र का जाप कीजिए। आपका भाग्योदय बहुत तेज होगा और एक परम आनंद की अनुभूति आपको होने वाली रहेगी जब आपके आदमी कॉम्बिनेशन बन जाए तो। अंगूठे के फेलाइन थोड़े अंडर डेवलप है, ये खर्चे वाले व्यक्ति को दिखाते हैं व्यक्ति खर्चा ज्यादा होता है। इस तरह के भी योग आपके हाथ में देख पा रहा हूँ। यहाँ पर आपके हाथ में धनुषाकार रेखा बन गई है, समझदार व्यक्ति है, सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम है। जीवन कभी भी कैसी भी अवस्था में जल्दबाजी में आकर, भावनाओं में भगकर, गुस्से में आकर, इमोशंस में आकर, किसी मित्र शिकार की बातों में आकर व्यक्ति गलत निर्णय नहीं लेता। जो आपके लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजन रहेंगे वो हमेशा सोच समझ के लेने वाले रहेंगे। यहाँ पर आपने एक अच्छा काम किया होगा कि इस उंगली का नाखून बढ़ाकर रख रखा है, क्योंकि आपके जीवन में सबसे पहले आपको बातों को मन में दबा कर रखना, मन में बेचैनी होना, हड़बड़ा जाना और एक बच्चे में स्टेज फियर होना, इस तरह की दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ रहा होगा। बट ये अगर इस उंगली का नाखून बड़ा हुआ है वो कि जो कि इस उंगली के पार जा रहा है, यहाँ देख पा रहे हैं काफी लंबा गया है, तो इस चीज का जो बुरा प्रभाव होता है काफी कम हो जाता है। सूर्य की उंगली टिल्टेड है तो जोखिम भरा नेचर रहता है, रिस्क लेने तो कभी नहीं रहते। जेब में लाख 10 लाख पड़े हों तो रिस्क लेने व्यक्ति संकोच मात्र नहीं दिखाता है। यहाँ पर आपकी जो दोनों उंगलियां हैं थोड़ी बहुत बिल्कुल ये बिल्कुल बराबर है। जब दोनों उंगलियां बराबर होती हैं गुरुदेव बृहस्पति की सूर्यदेव की, तो ये व्यक्ति को सेंसिटिव टाइप पर्सनलिटी देती है, सीक्रेटिव टाइप पर्सनलिटी भी रहती है। आपको बहुत सारे लोगों की बहुत सारी बातें पता होंगी बट बहुत ऐसे कम लोग होंगे जिनको आपकी बहुत सारी बातें पता होने वाली रहेंगी। यहाँ पर आपकी अगर आपकी भाग्य रेखा को देखा जाए, आपकी भाग्य रेखा लगभग लगभग यहाँ पर आकर इसमें जो दिक्कत आई है वो आई है 35वें वर्ष के आसपास। 35वें वर्ष के आसपास घर में पैसा आना कम होगा, या फिर पैसे का बचत होनी कम हो जाएगी, या फिर पैसा खर्च होगा, या फिर पैसे में नुकसान भी आपको होने वाला हो सकता है। तो भाग्य रेखा को मजबूत करने के उपाय मैं आपको देने वाला रहूंगा, क्योंकि आपके यहाँ पे भाग्य रेखा 35 वर्ष का इतनी मजबूत नहीं है। इसके साथ साथ देखें पा रहे हैं आप 37वें वर्ष में कट भी लग रहा है, तो 37वें वर्ष में पैसे का नुकसान आपको जा सकता है। इस एज में इन्वेस्टमेंट करने से बचिएगा, इस एज में पैसा कहीं लगाने से बचिएगा, इस एज में कोई नया बिजनेस, कोई नया जॉब चेंज करने से बचिएगा। आपके घर में अगर आप हाउस वाइफ हैं तो आपके घर में लोगों को 37वें वर्ष में, जब आप 37वें वर्ष होंगे तो सरदर्द रहेगा, पैसे का नुकसान हो सकता है, या फिर फैमिली में कोई फंक्शन कराने लगे तो उसमें बड़ा खर्चा हो जाएगा। तो मतलब मान सकते हैं कि पैसे का खर्चा ज्यादा होगा, नुकसान होगा या फिर खर्चा ज्यादा होगा, जानबूझ से करेंगे गलती से होगा बट खर्चा आपके हाथ में है। सूर्यदेव दबे हुए हैं बट यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि सूर्य प्रत्यय फिश का साइन इस प्रकार बन गया है। ये हल्का सा है, इसको और मजबूत करने के उपाय जो होते हैं वो मैं आपको दे दूंगा। बाकी सूर्य पर फिश का साइन मौजूद होता है तो आपके घर में आपके भाग्य द्वारा भी बड़ा पैसा आने वाला रहेगा। आप वो व्यक्ति हैं कि जहाँ आप जाते हैं वहाँ आपका भाग्य साथ साथ चलता है, और आपके भाग्य से ही आपके लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, उनके जीवन जो नेम फेम रिस्पेक्ट है वो कहीं ना कहीं आपके भाग्य से भी उन्हें काफी ज्यादा मिल रही होगी। जीवन रेखा पर गौर किया जाए तो जीवन रेखा पर एक भी राहु रेखा नहीं है। देखिए मेरे पास काफी सारे किस्से आते हैं कि किसी के जीवन रेखा पर कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, तो जीवन रेखा पर परेशानियां आती हैं, लेकिन आपके जीवन रेखा पर परेशानियां ज्यादा नहीं है, नाम मात्र के लिए थोड़ी परेशानियां हैं जो कि छोटे छोटे उपाय करने से संभल जाएंगे। और देखिए आपके तो इतने छोटे उपाय रहेंगे कि आपको ज्यादा उपाय करने की जरूरत भी नहीं रहेगी। जो आपके उपाय रहेंगे वो आपको वीडियो में बता देता हूँ। देखिए अगर आपको अपना भाग्य मजबूत करना है तो भाग्य बनता है धर्म कर्म जैसे कार्य से, तो कार्य सही कीजिए, कभी किसी की बद्दुआ मत कीजिए, कभी किसी से धोखाधड़ी वाले कार्य मत कीजिए, कभी किसी से बेईमानी मत कीजिए, कभी किसी का दिल मत दुखाइए, ये चार चीज कीजिए। और बाकी समाज में जैसे सज्जन व्यक्ति अपना जीवन जीता है इस प्रकार का जीवन आपको जीना रहेगा। भगवान के प्रति जितना धर्मास्था दिखाएंगे आपका खुद का भाग्योदय रहेगा, मोक्ष और मुक्ति की तरफ अग्रसर होंगे और जीवन में परम आनंद की अनुभूति आपको होने वाली रहेगी। अगर आप भगवान की धर्मास्था में जाते हैं और एक भक्ति भाव वाला जीवन व्यतीत करते हैं, समाज सेवा की ओर अपना जीवन न्यौछावर कर देते हैं तो कि देखिए समाज सेवा ऐसा कार्य है जितना आप वो करेंगे उतना आपको खुद को लाभ मिलने वाला रहेगा। मंगल आपके हाथ में अच्छे हैं, यहाँ पर देख पा रहा हूँ जो बुध रेखा है वो थोड़ी दिक्कत में है, क्योंकि यहाँ पर एक बुध रेखा, यहाँ पर भी बुध रेखा चंद्र की तरफ जा रही है, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स देने वाली रेखा रहेगी। नेगेटिव थॉट्स आपको जीवन में ज्यादा आएंगे और उसी नेगेटिविटी के चलते कारण आपको अपने जीवन में पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता रहेगा। मून माउंट अच्छे हैं, वीनस बहुत अच्छे हैं, मार्स आपके हाथ में बढ़िया है, जुपिटर भी अच्छे हैं, सन भी बढ़िया है, सैटर्न भी अच्छे हैं और गुरुदेव बृहस्पति भी बढ़िया है। इन्हें बुधदेव कहते हैं, जुपिटर मैंने गलती से बोल दिया। बाकी जीवन रेखा की शुरुआत में आपको थोड़ा सा स्ट्रगल रहा होगा बट थोड़ी बहुत हेल्थ प्रॉब्लम्स के बाद आपका जीवन पटरी पर आ गया होगा। बाकी आपके हाथ में कोई समस्या नहीं है, आपके जीवन में जो समस्या रहेगी
वो रहेगी बस पारिवारिक समस्या थोड़ी बहुत। भाग्योदय तेज होगा, सूर्य को अर्घ देकर आप अपने भाग्योदय तेज कर सकते हैं। तो मुझे आपको उपाय किस किस के देने देंगे, मुझे आपको उपाय देने के सूर्य देव, क्योंकि सूर्यदेव आपके इतनी अच्छी अवस्था में इनको ऑलमोस्ट करने से फायदा मिलेगा। बाकी इसके ऊपर मैंने वीडियो बता दी, शुक्रवार के दिन जितना दान करेंगे सफेद चीज़ों का उतना लाभ मिलने जाएगा। गरीब को दान कीजिए, जिसके जैसे कि जो आपकी सफेद चीज रहेगी वो जरूरतमंद यूज करें, जैसे कि चावल, गरीब के घर में चावल भरवा दीजिएगा या फिर थोड़े चावल दान कर सकते हैं शुक्रवार के दिन खासकर। आपको हमेशा करना रहेगा, ऐसे नहीं कि आपने 150-200 साल तक किए बाद में छोड़ दिया, नहीं, ये चावल का दान आपको हमेशा करना रहेगा, 10 साल 15 साल 20 साल 50 साल हमेशा के लिए। महीने में कर सकते हैं, 2 महीने में कर सकते हैं, बट चावल का दान आपके यहाँ से निकलना चाहिए, वो भी शुक्रवार के दिन गरीब को। सूर्यदेव के जो उपाय देते हैं डिटेल में आपको पर्सनली पहुंचा दूंगा। तो मैंने आपके पाम का चीज पूरा कर दिया, मैं आशा करता हूँ कि आपको कोई 700 रुपये मिल लेंगे। आपके पाम के लिए दीदी थोड़ा जिद्दी है, जिद पर थोड़ा काबू रखेगा तो लाभ मिलेगा। कहीं ना कहीं समाज सेवा से भाग्य आपका है, बुढ़ापे में संतान द्वारा सेवा, प्रॉपर्टी आने के, कुछ कभी आने के योग हैं। थोड़ा बहुत नेगेटिव फीलिंग, पारिवारिक समस्या रहेंगी, और इस उंगली का नाखून कभी, क्योंकि ये आपको बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों से बचा रहा होगा। बाकी आप उंगली का नाखून काट सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको कोई 700 लोग जब मिल गए होंगे, इसके बाद भी कोई आपकी डाउट है कोई रह जाए तो आप उसे पर्सनली व्हाट्सएप पूछना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।